असफलता को भुलाकर कर फिर काम में जुट जाना ही सही रहता है, और इसी राह पर चल रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान। 21 दिसंबर को रिलीज हुई उनकी फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर जीरो ही साबित हुई। फिल्म का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। एक दिन भी फिल्म ने ऐसा कलेक्शन नहीं किया जो शाहरुख खान के स्टारडम के अनुरूप हो। फिल्म अब तक 100 करोड़ के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है। इस फिल्म की नाकामयाबी का तगड़ा झटका बॉलीवुड को लगा है, क्योंकि सभी को इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। बहरहाल, शाहरुख खान फिल्म की असफलता को भूला चुके हैं। वे तुरंत ही इससे उबरे और अपने आगे के काम में जुट गए हैं। किंग खान ने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया है, और वो भी बिना समय गंवाए। खबरों के अनुसार वे सारे जहां से अच्छा नामक फिल्म की तैयारियों में जुट गए हैं और तय शेड्यूल से पहले ही शूटिंग शुरू कर देंगे। सभी जानते हैं कि यह भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की बायोपिक होगी। सारे जहां से अच्छा की शूटिंग मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन फिल्म का सेट पहले से ही फिल्म सिटी में तैयार हो गया है। अब इसकी शूटिंग फरवरी से शुरू होगी। पहला शेड्यूल मुंबई में शूट किया जाएगा तो दूसरा शेड्यूल बाहर शूट होगा। हालांकि फिल्म की अधिकृत घोषणा अब तक नहीं है। गौरतलब है कि यह फिल्म पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी। आमिर ने आदत के मुताबिक कुछ दिन सोच विचार किया। वह फिल्म करना चाहते थे, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स के चलते ऐसा नहीं कर पाए। आमिर ने ही शाहरुख का नाम सुझाया। शाहरुख को भी स्क्रिप्ट पसंद आई और वे फिल्म करने के लिए राजी हो गए। फिल्म का निर्देशन महेश मथाई कर रहे हैं। निर्माता हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। फिल्म का बजट भारी भरकम है। इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। फिल्म के अन्य कलाकारों का चयन जल्दी होगा। उम्मीद है कि इस फिल्म के जरिए किंग खान धमाकेदार तरीके से वापसी करेंगे।